हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, और लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंट कैरिंग एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट हुआ। इस टॉपिक में कोई डाउट किसी को? अंदर मान्या वो क्वेश्चन समझ में आए थे? अब देखिए नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। ठीक है, और इसी से हमारा एक आर्टिकल यहां डेराइव होगा आगे, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल और उसी पर बेस्ड डिवाइस है हमारी मूविंग कॉइल का भी। ये तीनों टॉपिक जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, इसमें मूविंग कॉइल करने में जो आपका इंपॉर्टेंट है, तो देखिए नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। ठीक है, दो पैरेलल कंडक्टर्स एक दूसरे के किस अकॉर्डिंग फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो आर्टिकल है। लेट अस कंसीडर टू कंडक्टर वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वन इज एक्स वाई, अनदर वन ऑफ ये एक्स वाई है एंड सेकेंड वन इज ए बी। विच आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एट अ सेपरेशन डी। दोनों एक दूसरे से डी सेपरेशन पर हमने प्लेस किए हैं। नाउ वायर एक्स वाई कंसिस्ट ऑफ करंट ऑफ आई वन एंड वायर कंडक्टर वायर ये भी कंसिस्ट ऑफ करंट ऑफ आई टू। दोनों डिफरेंट करंट क्या कर रहे हैं? कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। सो हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच वायर ऑन अदर वायर। एक वायर दूसरे वायर पर, एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है हमें वो कैलकुलेट। ठीक है, अब फोर्स क्यों एक्सर्ट हो रहा है पहले वो लॉजिक हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए व्हेन वी सप्लाई करंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्योंकि जैसे सपोज इसमें करंट आई वन फ्लो कर रही है तो ये अपने अराउंड क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और जैसे ही उस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर वायर प्लेस होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कंडक्टर वायर क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिमिलरली इसमें करंट आई टू फ्लो कर रही है तो ये अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में यदि ये वायर फेज है तो ये वायर क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो दोनों वायर एक दूसरे के फील्ड की वजह से क्या करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो उसी फोर्स को हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। सो हम फोर्स को कैसे ले रहे हैं? फोर्स है एफ वन टू, दैट इज फोर्स ऑन वायर वन ड्यू टू वायर टू, और एफ टू वन क्या है? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वायर वन। देखिए ये मेरा वायर वन है, ये वाला वन ले लिया हूं और ये वाला मैंने टू। तो ये वायर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और ये वायर इसकी वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? तो हम चेक करते हैं पहले एफ टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू वन। तो सबसे पहले फोर्स ये कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फोर्स किसकी वजह से एक्सपीरियंस करेगा? इस
वायर एक्स वाई की वजह से। सो एफ टू वन क्या है, फोर्स ऑन वायर ए बी यू टू वायर एक्स वाई। इस वायर की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले लेट सपोज कि एक्स वाई वायर के अंदर करंट फ्लो कर रही है आई वन, तो उसके करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो कितना होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इन वायर एक्स वायर ड्यू टू करंट आई वन एट पॉइंट पी। देखिए यहां एक मैंने पॉइंट पी लिया इस वायर ए बी पर, और इस पॉइंट पी पर आई वन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो देखिए एक स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी वन दैट इज म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई डी। कितना हो जाएगा, टू पाई डी। देखिए फॉर्मूला कौन सा लगाया, म्यू नॉट आई फोर पाई डी साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो फाई वन और फाई टू दोनों क्या होंगे, 90 हो जाएंगे। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, पॉइंट पी पर म्यू नॉट आई वन अपॉन टू वाई डी टू पाई डी। अब इस पॉइंट पी पर फील्ड की डायरेक्शन देखिए, फील्ड की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाम रूल, इफ यू होल्ड योर राइट हैंड कंडक्टर या स्ट्रेट करंट कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन अ सच अ वे दैट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, द फिंगर इंडिकेट द पॉइंट वेयर द फील्ड इज टू बी कैलकुलेट, देन फेसिंग ऑफ पाम इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये जो ब्लैक फेसिंग है ये बाहर की तरफ आएगी, देखिए ये करंट, ये आपका पॉइंट जाकर फील्ड कैलकुलेट करना, ब्लैक फेसिंग बाहर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, ऐसा होगा इनवर्ड। तो इस इनवर्ड फील्ड को दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर दूंगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी होगी, कॉन्सेंट्रिक होगी, कैसी रहेगी, कॉन्सेंट्रिक। तो देखिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैं बता रहा हूं, बी वन का मैग्नीट्यूड आया म्यू नॉट आई वन टू पाई डी। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लॉक वाइज होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस बी वन की वजह से ये वायर क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो फोर्स एफ टू वन दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर, स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। देखिए इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है इसके फील्ड की वजह से, तो करंट तो वायर टू की होगी, करंट हमेशा किसकी होगी, जिस पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आई टू इंटू एल इंटू डी। सो एफ टू वन इज इक्वल टू आई टू, और बी कौन सा होगा, बी वन एल इंटू बी वन यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई डी। और देखिए लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 होगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1, क्योंकि देखिए ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, देखिए फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर हमने सबसे पहले सेकेंड आर्टिकल जो किया था इस चैप्टर के अंदर, आई एल क्रॉस बी, तो करंट किसकी रहेगी, जिसके अंदर फोर्स कैलकुलेट करना है, जिस वायर पर फोर्स कैलकुलेट करना है उस वायर का करंट रहेगा, इसकी लेंथ एल, और मैग्नेटिक फील्ड किसका रहेगा, पहले वाले वायर का जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो फोर्स ये एक्सर्ट कर रहा है, इस पर एक्सर्ट कर रहा है, तो आई टू इज इक्वल टू एल इंटू बी वन, ठीक है। सो एफ टू वन इज इक्वल टू आई टू इंटू एल इंटू म्यू नॉट आई वन टू पाई डी। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, दैट इज म्यू नॉट अपॉन टू पाई I1 I2 by d। अब यहां 2 पाई था, इसको 4 पाई कर दिया और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 by d।
तो ये आपका क्या आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ गई फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू। ये आया मैग्नीट्यूड। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन हम किससे देंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, किससे देंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सेज दैट इफ यू स्ट्रेच योर फोर फिंगर मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन अ म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड। थंब फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, थंब किस तरफ आ रहा है, थंब आ रहा है मेरा लेफ्ट साइड में। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इस डायरेक्शन में, मतलब वायर एक्स वाई जो है वायर ए बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आया समझ में? वंदन, आर्या, अब मुझे कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन वायर वन, यानी फोर्स ऑन वायर ए बी, सॉरी फोर्स ऑन वायर एक्स वाई यू टू ए बी, यानी एफ वन टू कैलकुलेट कर। एफ वन टू क्या है, एफ वन टू है फोर्स ऑन वायर एक्स वाई यू टू वायर ए बी। अब वायर ए बी जो है ये एक्स वाई पर कितना फोर्स लगा है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अब हम मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे, वायर ए बी का, किसका लेंगे, ये एक्स ये वायर, ये ए ये बी, और इनके बीच का सेपरेशन डी है, ये करंट आई वन ये करंट आई टू। अब हम कैलकुलेट करते हैं इस पर फोर्स निकालना है, इसकी वजह से एफ टू वन की वैल्यू की जा रही है। अब हम क्या, यस क्या कह रहे हैं बेटा, अब दिख रहा है बेटा, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है बेटा, एक सेकंड। अब मुझे कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन वायर एक्स वाई यू टू वायर ए बी, तो फील्ड कौन क्रिएट करेगा, वायर ए बी। सो इस करंट आई टू की वजह से कितना फील्ड है, पॉइंट यहां एक पॉइंट ले लिया मैंने क्यू, इस पॉइंट पी पर क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सो बी टू इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू यू टू वायर ए बी। अब मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा, ए बी वायर क्रिएट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट आई टी आई टू डिवाइड बाय टू पाई डी, क्योंकि देखिए आई टू से ये पॉइंट टू जो है वो डी डिस्टेंस पर है, वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो एक्सप्रेशन वही हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय टू पाई डी, करंट आई टू है तो आई टू लेगा म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई डी। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाम रूल, सो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर इंडिकेट द फेसिंग ऑफ, देखिए इस तरीके से दे रहा हूं मैं, ये आपका देखिए इस तरह दिख रहा है आपको, देखिए ये थंब इंडिकेट, थंब दिख रहा है करंट को दे रहा है, फिंगर इंडिकेट करिए जहां पर फील्ड कैलकुलेट करना है, आपकी जो वाइट फेसिंग है वो बाहर की तरफ आ रही है, क्या आ रही है, वाइट फेसिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, ये आउटवर्ड आ गया मैग्नेटिक फील्ड, क्या आ गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड
किस तरीके से कॉन्सेप्टिक सर्फेस के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी होगी? एंटी क्लॉक वाइज। कैसी होगी? एंटी क्लॉक वाइज। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स क्या हो गया? जिस पर फोर्स निकालना है उसी वायर के अंदर जो करंट है वो लेनी पड़ेगी, आई वन इंटू एल क्रॉस डी टू। मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे? जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और करंट किसका लेंगे? जिस पर फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो हो जाएगा आई वन इंटू एल इंटू म्यू नॉट आई टू टू पाई डी। तो फोर्स ऑन वन डी टू की क्या आ गई? म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू बाय टू डी, सॉरी आई वन आई टू बाय डी। और ये एल इस तरफ हो गया। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आया? म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू बाय डी। ठीक है, अब टू पाई को फोर पाई बनाने के लिए क्या किया हमने? ये टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फोर्स आ गया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन आई टू बाय डी। फोर्स का मैग्नीट्यूड वही आया जो प्रीवियस केस के अंदर। अब फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें फोर्स निकालना है। ये देखिए, फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट कैसा है? करंट ऊपर की तरफ है। देखिए करंट ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ। थंब किस तरफ जा रहा है? थंब जा रहा है मेरा राइट साइड में। तो ये आ गया फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। सो बोथ वायर विल अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों वायर क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यदि करंट सेम डायरेक्शन में होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? सो दैट इज अ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। एनी डाउट? तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर का क्या एक्सप्रेशन आया? ये जो पैरेलल वायर है विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट करंट, इनके बीच का सेपरेशन डी है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई वन आई टू बाय डी। और इसी से हमें करंट का जो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर की डेफिनेशन मिलती है। एम्पियर देखिए आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी है करंट, आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। तो वन एम्पियर का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यहीं से डराइव होता है। हाँ बेटा बोलिए, क्या कह रहे हैं? देखिए वन एम्पियर, देखिए एम्पियर जो है वो करंट का एसआई यूनिट होता है। तो वन एम्पियर की जो डेफिनेशन एसआई सिस्टम ने प्रपोज करी थी वो एफिलिएशन इसी एक्सप्रेशन से प्रपोज हुई थी। कैसे? देखिए इफ आई वन आई टू इज इक्वल टू वन एम्पियर एंड सेपरेशन बिटवीन वायर इज वन मीटर, सो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? म्यू नॉट की वैल्यू होती है फोर पाई इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन अपॉन फोर पाई इंटू टू। फोर पाई से फोर पाई कैंसिल, टू इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर। So, if the two infinite long straight wire, two infinite long straight parallel wire, which are separated by a distance of 1 meter, and if they experience a force per unit length of 2 into 10 to the power minus 7 newton per meter, then they constitute 1 ampere current. If they experience force per unit length of magnitude 2 into 10 to the power minus 7 newton per meter, then they constitute a current of 1 ampere. So that is a definition of 1 ampere current. 1 ampere current ka ye definition.
if two infinite long parallel straight wire separated by a 1 meter distance experience an attractive force of magnitude 2 into 10 to the power minus 7 newton per meter. Either attractive or either repulsive. Current same direction may be to attractive, current opposite direction may be to repulsive. Then they constitute a current of 1 ampere. So that is the definition of 1 ampere current. Is it clear? Any doubt in this part? ठीक है. और ये आर्टिकल भी लॉन्ग आंसर के अंदर पूछा जाता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स. तो ये आपको अच्छे से डेराइवेशन प्रिपेयर करना है. यदि इन दोनों वायर के अंदर देखिए इस केस में ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. यदि दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में होती तो दोनों क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते. दोनों एक दूसरे को क्या करते रिपेल करते. इज इट क्लियर? अब देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बनता है तो मैं वो न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है. सो देखिए क्वेश्चन क्या है. ये क्वेश्चन देखिए. देखिए क्वेश्चन क्या है. एक रेक्टेंगुलर लूप है और उस रेक्टेंगुलर लूप के पैरेलल में एक स्ट्रेट वायर प्लेस किया है. रेक्टेंगुलर लूप का लेंथ आपको दिया हुआ है 25 मीटर और ब्रेथ दी भी आपको 10 मीटर. ठीक है. अब इस रेक्टेंगुलर वायर से टू मीटर डिस्टेंस पर एक दूसरा स्ट्रेट वायर प्लेस किया है. रेक्टेंगुलर लूप के अंदर आपका करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 15 एम्पियर और स्ट्रेट वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 25 एम्पियर. सो आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस रेक्टेंगुलर लूप ड्यू टू दिस पैरेलल वायर ए बी. ये ए बी है. ये रेक्टेंगुलर लूप है पी क्यू आर एस. ये आपको एक रेक्टेंगुलर लूप दिया है पी क्यू आर एस. इसके पैरेलल में एक स्ट्रेट वायर ए बी दिया हुआ है.
केबी जो वायर है इसकी आपको लेंथ भी दे रखी है, लेंथ आपको दिया हुआ है 25 मीटर और 10 मीटर। ठीक है, तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से ये रेक्टेंगुलर लूप जो है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए ये दो पैरेलल वायर पीक्यू और एबी पैरेलल वायर है, तो पैरेलल वायर क्या करेंगे, ये दो पैरेलल वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फिर आर एस और एबी ये दो पैरेलल वायर है जिसके अंदर करंट क्या है अपोजिट है, इसमें करंट ए टू बी जा रही है, इसमें करंट आर टू एस जा रही है, तो क्या करेंगे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। यदि आपका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हुआ तो वायर अट्रैक्ट हो जाएगा, लूप अट्रैक्ट हो जाएगा वायर के थ्रू। लूप अट्रैक्ट क्यों होगा, क्योंकि लूप में करंट कम है और वायर में करंट ज्यादा है, तो और यदि आपका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हुआ मैग्नीट्यूड वाइज तो लूप क्या हो जाएगा रिपेल करेगा वायर से। अब एक्चुअली फोर्स अट्रैक्टिव क्यों होगा उसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि ये दो वायर्स के बीच का गैप कम है और इस वायर और इस वायर के बीच का गैप ज्यादा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सेपरेशन बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो हम पहले एक्सपीरियंस कर रहे हैं एफ वन दैट इज फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर एबी एंड पीक्यू। अब देखिए पी एस और आर क्यू आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये दो वायर्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये वायर और ये वायर एक दूसरे के प्रपेंडिकुलर है, क्या है प्रपेंडिकुलर, यदि आप इसका और इसके बीच का फोर्स निकालेंगे वो फोर्स जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, इसका लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये और ये वायर क्यों नहीं लिए, जैसे इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालना है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है नीचे की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट, कैसे हुआ इनवर्ट, करंट कैसे है आपका इस डायरेक्शन में, तो आपका जो एफ आई एल क्रॉस बी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ पैरेलल हुए तो फोर्स जीरो हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर वायर्स के बीच में कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, पैरेलल वायर होंगे तभी उनके बीच में क्या करेगा फोर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए ये और ये पेयर नहीं लिया, ये और ये पेयर नहीं लिया, पैरेलल पेयर ही लिया। आया समझ में, तो फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर एबी एंड पीक्यू, तो फोर्स कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई 2I1 I2 by D into L, तो F1 कितना हुआ 10^-7 म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू क्या है 10^-7। टू आई वन की वैल्यू है 15, आई टू की वैल्यू है 25, सेपरेशन इन दोनों वायर्स के बीच का सेपरेशन 2 मीटर डिवाइड बाय 2, लेंथ कितना है लेंथ फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है 25 मीटर, कितना है 25। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, फोर्स आ गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया 25 × 25, 625 × 15, 9375, इसको डिवाइड करूं 1000 से, तो 9.375 × 10^-7
माइनस सेवन ही माइनस फोर न्यूटन, 9.375 इंटू 10^4 माइनस फोर न्यूटन, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा वायर एबी और पी क्यू के बीच। अब मैं फोर्स निकाल रहा हूं एफ टू, दैट इज फोर्स बिटवीन वायर आर एस एंड ए बी, तो एफ टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π2I1I2 बाय डी टू इंटू एल, ये डी वन था ये डी टू, ये हो गया टू सॉरी 10^-7 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 25 इंटू एल 25 डिवाइड बाय डी टू, डी टू की वैल्यू कितनी है 10+2 12, तो ये जो फोर्स आया उसको मैं किससे डिवाइड कर लू, 6 से डिवाइड कर लू, क्या कर लू 6 से डिवाइड कर लू, तो मेरा F2 का वैल्यू आ जाएगा, F2 आ जाएगा 1.5625 इंटू 10^ माइनस 4 न्यूटन। अब देखिए F1 अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव होगा, और F2 जो होगा ये वाला फोर्स जो है ये फोर्स रिपल्सिव होगा, क्या होगा रिपल्सिव। F2 फोर्स क्या होगा रिपल्सिव, तो F1 और F2 एक दूसरे को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। रिपल्सिव का रीजन मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि वायर ए बी और वायर आर एस के अंदर करंट अपोजिट था, तो इस वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो नेट फोर्स कितना हो गया F1 माइनस F2, तो 9.375 माइनस 1.5625 तो ये आ गया 7.81 इंटू 10^-4 मीटर, ये आपका नेट फोर्स आ गया। बहुत विजिबल है